एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अधर्मियों का नाश करने और पाप से उद्धार करने इस धरती को आ पहुँचे विष्णु भगवान के आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार इस धरती पर। भले ही उनकी एनर्जी को आज लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग उन पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए कल्कि अवतार नाम ही अपने आप में वो पॉजिटिव एनर्जी है जिसके साथ जुड़ते ही उन्हें आशा की किरण नज़र आती है। कल्कि अवतार की जब आप तस्वीर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को दिखलाया जाता है, जैसे सफ़ेद घोड़ा देवदत्त जिसका नाम, हाइट जिसकी बहुत बड़ी, क्या है उसका सीक्रेट मैंने अपने वीडियो में आपको बतलाया है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। उसके साथ ही मैंने कल्कि अवतार के बारे में एक और बात बताई कि उनके साथ एक डिवाइन पैरट रहेगा जिसका नाम सुखदेव, जो मैसेंजर का रोल अदा करेगा किसके बीच में, माँ पद्मा और कल्कि अवतार के बीच में, यानी कल्कि अवतार भगवान विष्णु और माँ पद्मा यानी माँ लक्ष्मी। लेकिन इसके साथ ही सफ़ेद घोड़े पर सवार जब आप कल्कि अवतार को देखते हैं तो आपकी आंखों के सामने उनके हाथ में एक चमचमाती बड़ी सी तलवार भी दिखलाई पड़ती है। क्या है इस तलवार का सीक्रेट, क्यों है ये तलवार उनके हाथ में और क्या है इस तलवार का नाम, आज मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है आप लोगों के लिए। कल्कि पुराण में, विष्णु पुराण में और लिंग पुराण में, ब्रह्म पुराण में कल्कि अवतार के आने की कथा लिखी गई है। साथ ही शिव आदि शक्ति के पूजा के पश्चात उनकी तपस्या से और परशुराम के आशीर्वाद से भगवान शिव ने उन्हें जो दिव्यास्त्र दिए हैं उन्हीं में से एक ये तलवार है जो उनके हाथ में है। इसका नाम नंदक या दूसरा नाम कह लीजिए आप रत्नमेरु, ये दो नाम हैं जिसके द्वारा उनकी तलवार जो उनके हाथों में दिखलाई गई है कुछ खास संदेश हमारे लिए हमें देती है। नंदक या रत्नमेरु, नंदकी वो अस्त्र है जो हमेशा विष्णु भगवान के हाथ में तब दिखलाई जाती है जब चतुर्भुज विष्णु चतुर्भुज से ज़्यादा बड़े बहुत सारी भुजाओं वाले जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है वहाँ पर नंदकी तलवार जो विष्णु भगवान का प्रमुख अस्त्र है उनके हाथ में दिखलाई जाती है। लेकिन अब जो कलयुग में हम लोग पिक देख रहे हैं, पिक्चर जो देख रहे हैं कल्कि अवतार के, उनके हाथ में चमचमाती जो तलवार है यानी रत्नमेरु या नंदक तलवार, उसकी मूठ जो है रत्नमेरु इसलिए कि पूरा रत्नों से जड़ी हुई वो तलवार है जो उन्हें भगवान शिव की शक्ति की तपस्या के कई वर्षों की तपस्या के पश्चात उन्हें दी गई। अब इसका इनर मीनिंग समझिए, क्या ये तलवार इसलिए है ताकि वे सारे जो राक्षस हैं, सारे जो असुर हैं कलयुग के या असुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनका काम तमाम कर सकें, या इसका इनर मीनिंग कोई है? अब मैं बतलाती हूँ इसका इनर मीनिंग क्या है। जिस प्रकार तलवार की धार वो तेज धार होती है जिससे किसी का भी गला एक मिनट में काटा जा सकता है, यानी तलवार का जो वार होता है वो कभी खाली नहीं जाता, तलवार की धार ऐसी धार जो बहुत तेज मानी जाती है, उसी प्रकार इस तलवार के द्वारा कल्कि अवतार और शिव आदि शक्ति कलयुग में लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं। जो कल्कि अवतार आज के युग में अवतरित हुए हैं 64 कलाओं के साथ, उनके पास जो डिवाइन विजडम होगी वो डिवाइन विजडम आज के सारे मनुष्य जितने भी पृथ्वी में हैं, सारे कलयुगी मनुष्य के पास जितनी भी ह्यूमन विजडम है वो उस डिवाइन विजडम का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी तलवार की धार से भी तेज
कल्कि अवतार की डिवाइन विजडम और अपनी बुद्धि के द्वारा ही कलयुग में वो परिवर्तन करके, युग परिवर्तन करके सतयुग की स्थापना करेंगे, असुरों का खात्मा करेंगे, विधर्मियों का खात्मा करेंगे, पाप का खात्मा करेंगे और इसके पश्चात एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में सतयुग की स्थापना करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।